नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट्स के बारे में। ये टैबलेट दोस्तों एक एंटीबायोटिक है और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है, यानी एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन ये होता है दोस्तों, जो आता है फ्लोराक्विनोलोन के अंतर्गत इस संवर्ग में देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों सिप्रोफ्लोक्सासिन जो आता है उससे थोड़ा कम प्रभावी है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छे इसके यूज़ देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, क्या क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, किसके साथ आपने इसका यूज करना चाहिए, किसके साथ इसका यूज नहीं करना चाहिए, बच्चों में एडल्ट में डोजेस क्या होती है, और टॉप ब्रांड कौन सा आपको लेना चाहिए जो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है, नॉरफ्लोक्सासिन दोस्तों एक साल्ट है, एक मॉलिक्यूल्स है, मतलब एक मेडिसिन का नाम है, जो ब्रांड नाम से आता है आपको नॉरफ्लोक्स के नाम से देखने को मिल जाता है, जो सिप्ला का आता है, जिसके साथ नॉरफ्लोक्सासिन प्लस लैक्टिक एसिड बैसिलस होता है, प्लस ये और भी कॉम्बिनेशन मेडिसिन के साथ देखने को मिल जाता है, जैसे नॉरफ्लोक्स टीजर्ड हो गया आपका, नॉर्मिड हो गया, और नॉरफ्लोक्स हो गया, नॉरफ्लोक्स लैक्टिक एसिड बैसिलस हो गया, मेटेंडाजोल के साथ भी एक कॉम्बिनेशन में सभी प्रकार के कई दवाइयों के साथ ही देखने को मिल जाता है और बेस्ट एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होता है दोस्तों। अभी काम कैसे करता है, ये होता क्या है, जो डीएनए होता है हमारी बॉडी का, उसके गायरेज में एक एंजाइम होता है, तो उस एंजाइम को डीएक्टिवेट करता है, या कहें तो वो काम करता है जो उसकी क्रियाविधि रहती है एंजाइम की, गायरेज एंजाइम की, तो उस क्रियाविधि को रोकने का कम करता है, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो उसको नष्ट करने लग जाता है, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब बेस्ट यूजेज किया जाता है इसका, वो यूटीआई इन्फेक्शन में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आपको पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब पीली आ रही है, बार बार आ रही है, रुक रुक के आ रही है, पेशाब के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं। साथ में ये यूटीआई इन्फेक्शन में पार्ट्स जो होते हैं, मतलब हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, तो सभी प्रकार के यूज में आप कर सकते हैं। सपोज जैसे सूजन आ रही है, जलन हो रही है, दर्द हो रही है, तो उस कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। फीमेल्स की प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका वाइट डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम हो रहा है, वजाना में इन्फेक्शन हो गया, दाने हो रहे हैं, खुजली हो रही है, येलो आ रही है, पेशाब वगैरह, वाइट डिस्चार्जिंग जिसको कंडीशन कहते हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ में पार्ट्स के स्वेलिंग के लिए उपयोग किया जाता है, और डायरिया हो गया यानी पेट का इन्फेक्शन, आंतों के इन्फेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा यूजेबल होता है। टाइफाइड फीवर हो गया, ब्लड इन्फेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। साथ में पोस्ट ग्लैंड जो होती है, स्वेलिंग हो जाती है पोस्ट ग्लैंड में, तो उसमें भी कंपलसरी होता है इसका यूज़ करना, काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल होता है अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो रहा है तो। साथ में और क्या होते हैं, जैसे कि यौन संचारी रोग हो गया, गनोरिया हो गया, जिसको सुजाक भी कहते हैं, तो एक तरीके का जो भी अगर प्राइवेट पार्ट्स से रिलेटिव कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो नॉरफ्लोक्सासिन दोस्तों उसमें काफ़ी अच्छा एक बेस्ट एंटीबायोटिक इसको कह सकते हैं। और साथ में अगर और भी कहीं पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो भी इसको यूज़ में आप ला सकते हैं। ब्रांड नेम मैंने आपको बता दिए हैं, नॉरफ्लोक्स 400 के नाम से मिलता है, प्लस नॉरफ्लोक्स टीजेड के नाम से आपको आसानी से ये जो इस नाम से होगा मेडिकल में इजीली मिल जाता है, और आपको एथिकल और जेनेरिक दोनों ही रूप में अवेलेबल हो जाता है। ज़्यादा फर्क नहीं होता है, एथिकल में भी और जेनेरिक में भी दोनों के रिजल्ट होते हैं काफ़ी बेस्ट आपको मिलते हैं दोस्तों। अब डोजेज की बात करते हैं, तो एडल्ट की डोज तो हर कंडीशन में अलग अलग होती है, जैसे कि आपका नॉर्मल डोज होती है 400 mg सुबह शाम इसको ले सकते हैं, अगर किसी को टाइफाइड फीवर है तो 400 mg सुबह शाम लेके लगभग 10 से 15 दिन तक पेशेंट को दिया जा सकता है। यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो लगभग 1 महीने तक, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा किस तरीके का यूरिन इन्फेक्शन उसको देखने को मिल रहा है। अब बच्चे में जो होता है, 2 से 6 साल के बच्चे को ऊपर तक देते हैं इसको 100 mg सुबह शाम, वो आपको बच्चों को जो होता है सिरप के रूप में भी अवेलेबल हो जाता है। 6 से 12 साल तक के बच्चे को 200 mg इसको सुबह शाम दिया जा सकता है, यानी अगर बच्चे के यूरिन में भी इन्फेक्शन हो रहा है, खुजली हो रही है, तो उस कंडीशन में इसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं आपको, जैसे कि सिर दर्द होना, सुस्ती आना, पेट में जलन होना, सिर चकराना, उल्टी मितली का, ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब निषेध की बात करते हैं, जो जिनको इस कंडीशन से या इस साल्ट से एलर्जी है उनको ये यूज़ नहीं करने चाहिए, जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं बिल्कुल ही उनको भी ये बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए, और जो बच्चे होते हैं 2 साल से छोटे बच्चों को इसको अवॉइड करना चाहिए।
हो सके तो, जितना अगर कहीं इमरजेंसी कंडीशन पड़े तो ही डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। अगर आप खुद से इसको यूज़ कर रहे हैं तो एक बार अपने फार्मासिस्ट से इसके बारे में पूरी जानकारी ज़रूर लीजिएगा। सावधानियों की बात करते हैं तो दोस्तों, इस दवाई के साथ आपको पानी का होगा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इससे आप उनके साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं, जैसे कि आपको सर चकराना, उल्टी, मिचली, ये साइड इफ़ेक्ट से आप उनके बच सकते हैं। और साथ में अगर किसी को किडनी इन्फेक्शन है, मिर्गी का दौरा आता है, फिर पता है आपको कि मिर्गी का दौरा है, इसको प्रॉब्लम बीमारी है, तो उनको ये यूज़ में नहीं लाना चाहिए। और 7 साल तक के बच्चों तक भी या 60 साल तक के एडल्ट को भी इसको आसानी से आप उपयोग में ला सकते हैं। ड्रग इंटेक्शन की बात करते हैं तो कुछ ड्रग्स के साथ ये इंट्रैक्शन कर सकता है, जैसे थियोफाइलिन हो गया, एमिनोफाइलिन हो गया। तो ये क्या करता है, जो इन ड्रग्स जो होते हैं अगर इनके साथ लेते हैं तो इसके इफेक्ट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। वाराफेरिन हो गया, तो वाराफेरिन के प्रभाव की वजह से ये ड्रग्स का इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है, या फिर उस भी और भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए अपनी मर्जी से इसको यूज़ ना करें, शेड्यूल के एच के अंतर्गत ये देखने को मिलता है, जो एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। यानी जब तक कि आपको डॉक्टर रिकमेंड ना करे तब तक कि ये यूज़ नहीं किया जा सकता है। अगर सेल्फ मेडिकेटेड आप करते हैं तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप इसके बारे में कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारा काम है आपको जानकारी देना, ताकि आपको अच्छे से सारी दवाइयों के बारे में जानकारी पता चल पाए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही था। नॉरफ्लोक्सासिन के बारे में कम्प्लीटली जानकारी हमने आपको दे दी है, यूजर साइड इफेक्ट प्रिकॉशन के बारे में कम्प्लीटली तरीके से बता दिया है। फिर भी अगर कुछ मिस हो गया तो आप हमें कमेंट में आसानी से पूछ सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर फेसबुक फॉलो जरूर कर लीजिएगा, पर्सनली मैसेज आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो अगर आप कुछ कमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आप नहीं बता पाएंगे तो आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता है नए वीडियो में। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।